ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड वर्क एनर्जी पावर। दिस इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें हम मैकेनिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। तो देखें, अभी तक जो मैकेनिक्स हमने पढ़ी है उसमें हमने अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, बेसिकली हमने दो तीन ही इक्वेशंस पढ़ी हैं, एक ये और एक ये न्यूटन की इक्वेशन एफ इक्वल्स टू एम है। बाकी जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो सब इस इक्वेशन से डराइव किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है कि हमने बहुत सारी मैकेनिक्स अभी तक पढ़ ली है, बट एक्चुअली में जो भी हमने पढ़ा है वो सब इस तीन इक्वेशन से डराइव हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि ये तीनों इक्वेशंस बहुत पावरफुल होती हैं, इनसे मैकेनिक्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं मैकेनिक्स के वो इन इक्वेशंस से सॉल्व करने बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम एक ऐसी नई टेक्निक पढ़ेंगे, एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक ऐसी नई इक्वेशन देखेंगे जिससे कुछ मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आप बहुत आसान हो, सिर्फ एक लाइन में कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। समझ लो, जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, न्यूटन वो भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व करता था। जो नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूटन को नहीं पता था, वो न्यूटन ने ड्राइव नहीं किया था। न्यूटन के बाद जो साइंटिस्ट आए उन लोगों ने इन सारी इक्वेशंस को मिला के वो एक नया कॉन्सेप्ट बनाया था जो हम यहां पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है, वर्क किसको बोलते हैं। तो अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जाएं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये बोलती है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्क को ऐसे डिफाइन करती है, टू डू एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स मेंटल और फिजिकल एफर्ट। मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिसमें मेंटल या फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व हो तो हम बोलेंगे कि हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जाम के टाइम में बहुत पढ़ रहे हो तो आप बहुत ज्यादा मेंटल वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो आप सोचोगे यार आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत वर्क कर रहे हो वर्क। लेकिन एक फिजिसिस्ट ये बोलेगा, कोई फिजिक्स जानने वाला बंदा ये बोलेगा कि आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो, आप निकम्मे हो, आप लेजी हो। फिजिक्स में एक्चुअली मेंटल वर्क को वर्क नहीं माना जाता है। इन फिजिक्स मेंटल एफर्ट इज नॉट कंसिडर्ड वर्क, इज नॉट कंसिडर्ड वर्क। आप समझ रहे हो, मेन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डे टू डे लाइफ में जिस चीज को हम वर्क समझते हैं और फिजिक्स में जो चीज वर्क होती है वो अलग है थोड़ा। डे टू डे लाइफ में आप पढ़ रहे हो, मेंटल एफर्ट कर रहे हो, तब भी उसको वर्क बोलेंगे, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको वर्क नहीं बोलेंगे। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे। तो फिजिक्स में वर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सपोज करो ये एक ब्लॉक है, उस पर कुछ आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उस फोर्स के कारण जो है ये ब्लॉक जो है थोड़ा आगे चला जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एस वेक्टर। ठीक, तो फिजिक्स के अनुसार हम बोलते हैं कि वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर। मतलब यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो ये सिंपल तरीका है फिजिक्स में वर्क को डिफाइन करने का। वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करो ये ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा हुआ, उस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जिसके कारण वो 2 मीटर आगे चला गया। तो इस फोर्स का वर्कडन हम कितना लिखेंगे, बहुत सिंपल है, वर्कडन बाई फोर्स हम लिखेंगे फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विच कैन बी रिटन एज एफ एस कॉस थीटा। फोर्स लग रहा है 10, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2, और थीटा यहां पे क्या है, 0, कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो यहां पे वर्क डन आ जाएगा 20 जूल। वर्क की यूनिट जो होती है वो जूल होती है। ठीक है, वैसे यहां पे आप देखो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक एफ1 फोर्स आगे तरफ 20,
एक एफ टू फोर्स पीछे की तरफ 5, दो फोर्सेस लग रहे हैं और ये ब्लॉक आगे जाता है 2 मीटर से। अब इस फोर्स का वर्कडन बताना है और इसका भी वर्कडन बताना है, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे हम। वर्कडन बाई फोर्स 1 विल बी एफ 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो आ जाएगा 20 इंटू 2 इंटू कॉस 0 दैट इज 1, फिर आ जाएगा 40 जूल, सही है। अब इस फोर्स का वर्कडन, वर्कडन बाई फोर्स 2, सो दैट विल बी एफ 1 इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो एफ 1 हो जाएगा 5, फोर्स हो जाएगा एस हो जाएगा 2 और कॉस थीटा, यहां पे देखो फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो जो कि माइनस 1 होता है, तो यहां से आ जाएगा -10 जूल, इतना फर्क हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोटिस की होगी वो ये है यहां पे कि इफ एफ एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल वर्क डन इज पॉजिटिव एंड इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल देन वर्क डन इज नेगेटिव, सही है। ये तो आप देख ही रहोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो वर्क पॉजिटिव आ रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है तो नेगेटिव आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे ये समझना है कि वर्क जो होता है वो स्केलर होता है, वर्क इज स्केलर, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। देखो कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्क कभी पॉजिटिव है और कभी निगेटिव है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा पॉजिटिव वर्क है इसका मतलब वर्क की डायरेक्शन राइट की तरफ है, निगेटिव वर्क है इसका मतलब वर्क की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, उससे हम कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते, ध्यान दें। देखो वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट करते हैं, फोर्स वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क जो है उनका डॉट प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर है, ठीक है। तो फिर कुछ लोग सोचते हैं कि वर्क फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, वर्क का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो उसकी डायरेक्शन नहीं बताता है, क्योंकि वर्क की तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, वो क्या बताता है, वर्क अगर पॉजिटिव है तो वो ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है हमारे, और वर्क अगर निगेटिव है तो वो ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, आप समझ रहे हो। पॉजिटिव वर्क ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और निगेटिव वर्क बस ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट देखेंगे अब, सपोज करो ब्लॉक पे आगे फोर्स लग रहा है जिसका ये आगे जा रहा है, इस ब्लॉक का हम कंप्लीट एफबीडी बनाए तो इस पे और भी फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ एमजी फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इस एफ का वर्क डन हमें निकालना हो तो हमें पता है क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एफ एस कॉस थीटा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा वो, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो, और कॉस थीटा पे आप ध्यान दें, यहां पे थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल, फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन वाला ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, इसे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, समझ रहे। वैसे आप एमजी का वर्क डन निकालो, वर्क डन बाय एमजी फोर्स, तो वो आएगा फिर से एफ एस इंटू कॉस थीटा, तो एमजी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, तो फिर से आएगा वो कॉस 90, क्योंकि एमजी फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, पीछे एंगल 90 हो रहा है, और कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन जीरो आता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वर्क डन इज जीरो, वर्क डन जीरो होता है। जैसे आप देखो यहां पे एक मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, दैट इज वर्क डन बाय लेडी ऑन पॉट्स। देखो ये जो लेडी है वो पानी से भरा हुआ घड़ा जो है वो लेके आगे की तरफ जा रही है, तो इस लेडी का वर्क डन बताना है इन पॉट्स में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स का पता होना चाहिए, फोर्स। तो ये जो लेडी है वो पॉट्स पे किधर फोर्स लगा रही है, इन पॉट्स का आप एफबीडी बनाओगे तो इन पे नीचे एमजी फोर्स लग रहा होगा,
तो लेडी अपने सर से इन पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी mg को बैलेंस करने के लिए, सही। अब इन पॉड्स का डिस्प्लेसमेंट देखें किधर है, फोर्स की बात कर ली, अब डिस्प्लेसमेंट की बात। तो क्योंकि लेडी आगे जा रही है तो इन पॉड्स का डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो आगे की तरफ ही हो रहा है, ठीक। तो अब ध्यान दो, लेडी फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है लेकिन पॉड्स का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया 90, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इस कॉन्सेप्ट से लेडी का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो। इसका मतलब है कि लेडी जब इन पॉड्स को आगे ले जा रही है तो वो कितना काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, निकम्मी है वो, जीरो वर्क डन कर रही है। तो देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि फिजिक्स में वर्क को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, डे टू डे लाइफ में ये बहुत मेहनत का काम है, लेडी जो है वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम कर रही है, डे टू डे लाइफ की बात करें हम तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि लेडी का वर्क डन क्या है, जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। तीसरे पॉइंट में आप ये सिचुएशन देखो कि ये एक ब्लॉक जो है वो कॉर्नर में रखा हुआ है दीवाल के, एक आदमी इसको पुश कर रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो हमें निकालना है वर्क डन बाय दिस मैन, ये आदमी कितना वर्क कर रहा है। तो हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब आप देखो यहां पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं, ये ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम यहां पे जीरो कहेंगे, तो वर्क डन बाय मैन भी क्या आ जाएगा, जीरो। समझ लो, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वर्क डन इज जीरो इवन इफ फोर्स इज एक्टिंग, इवन इफ फोर्स इज एक्टिंग। तो यहां पे आदमी फोर्स तो लगा रहा है लेकिन तब भी उसका वर्क हम फिजिक्स के अनुसार जीरो बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं तो ये सिचुएशन देखें आप, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बड़ी, ये जो आदमी है वो इस रॉक को पुश कर रहा है, इधर फोर्स ला के इस रॉक को पुश कर रहा है, तो क्या ये रॉक मूव करने वाली है, बिल्कुल नहीं, इस रॉक का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एनीवे क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय मैन, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे देखो फोर्स लगा रहा है आदमी लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, इसलिए वर्क डन बाय मैन भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी आप बताओ एक और, इसमें देखो ये जो बॉडी बिल्डर आदमी है ये इतने भारी वेट को उसने उठा रखा है, तो वर्क डन बाय दिस मैन, इस मैन का वर्क डन बताना है। तो ये जो आदमी है ये फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, इस पे ऊपर की तरफ लगा रहा है, नहीं तो वो गिर जाएगा ना, एम जी फोर्स नीचे लग रहा होगा वेट पे, इसलिए आदमी इसको गिरने से बचाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ऊपर, लेकिन ये पूरा वेट जो है वो रेस्ट पे है, पूरा का पूरा वेट रेस्ट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अब अगर हम वर्क डन बाय मैन निकालेंगे एफ एस कॉस थीटा, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों ही सिचुएशन में नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि बहुत काम किया जा रहा है, मतलब ये आदमी बहुत काम कर रहा है, बहुत थक जाएगा बेचारा, ये आदमी बहुत काम कर रहा है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। फिजिक्स की लैंग्वेज में तब तक वर्क नहीं होता है जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो, आप लाख फोर्स लगा लो लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या हम बोलेंगे, जीरो। तो इस केस में कोई वर्क नहीं हो रहा है फिजिक्स अकॉर्डिंग, और वैसे इस केस में भी। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।